जयपुर के कांवटिया अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। अस्पताल प्रशासन ने प्रसूता को भर्ती करने के बजाय उसे जनाना हॉस्पिटल रेफर कर दिया। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी स्टाफ ने धक्के देकर प्रसूता को अस्पताल से बाहर निकाल दिया। परिजनों की माने तो डॉक्टर्स ने कहा कि हमने रेफर कर दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। हॉस्पिटल में खड़ी एम्बुलेंस से मदद मांगी तो ड्राइवर ने जाने से इनकार कर दिया। कोई हॉस्पिटल स्टाफ मदद के लिए आगे नहीं आया। इतने में महिला ने हॉस्पिटल गेट पर ही बच्ची को जन्म दे दिया। परिजनों का आरोप है कि एम्बुलेंस चढ़ाकर बच्चे को भी मारने की कोशिश की गई। परिजनों ने गाड़ी के शीशे पर हेलमेट मारकर ड्राइवर को रोका। मामला बढ़ता देख हॉस्पिटल प्रशासन चेता और महिला को वार्ड में ले गया। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा काउंटी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी ली। विधायक ने हॉस्पिटल अधीक्षक राजेंद्र तंवर से मुलाकात की। उन्हें इस तरह की घटना पर फटकार लगाई। शर्मा ने भर्ती महिला का हालचाल जाना और उनके परिजनों को आश्वस्त किया कि उन्हें इलाज में किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इसके अगले दिन विधायक गोपाल शर्मा कांवटिया अस्पताल पहुंचे। गोपाल शर्मा ने प्रसूता और नवजात बच्ची की कुशल क्षेम पूछी। उचित इलाज और देखभाल के लिए अस्पताल प्रबंधक को भी निर्देश दिए। महानगर टाइम्स ब्यूरो रिपोर्ट।